कल संसद के अंदर एक दंगा जीवी, एक दंगा जीवी, एक जुमला जीवी हम आंदोलन जीवियों को आंदोलन की परिभाषा समझा रहा था। एक नई जमात पैदा हुई, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। मैं कहूंगी इस दंगा जीवी से हिम्मत दिखाएं, आए यहाँ पर इस आंदोलन पवित्र शब्द का मतलब इस आंदोलन में खड़ा है क्योंकि युवा आपको समझाएगा। ये वो युवा कांग्रेस है, श्रीनिवास भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो एक आंदोलन जीवी थे। सरदार पटेल, उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा गया क्योंकि वो किसानों के लिए आंदोलन करते थे और गुजरात की बहनों ने उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा। निकल जा यार। आज मैं पंजाब के अपने सिख भाइयों को अपनी मूंछ पर ताक देते हुए देख रही थी। भगत सिंह की कुर्बानियों को पंजाब और देश भूल नहीं सकता, वो एक आंदोलन जीवी था भगत सिंह। हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें भगत सिंह के दिखाए रास्तों पर भी चलना होगा तो सत्य का घेराव क्या जो भगत सिंह ने किया था वो तक करने का दम, इस सरकार को झुकाने का दम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक एक युवा करता है। मैं आप सभी से कहूंगी, श्रीनिवास भाई मंच पर उपस्थित सभी लोगों को कहूंगी, श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता ने एक बात कह दी है, वो बात देश के कोने तक पहुंचा दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हमें एक साइड चुन लेनी होगी। अब एक साइड है जहां पर देश के दंगा जीवी खड़ा है, एक साइड वो जहां पूंजीपति खड़े हैं, एक साइड वो जहां काले कानून खड़े हैं और दूसरी तरफ आंदोलन जीवी खड़ा है, दहलीज में बैठा किसान बैठा है। और आंदोलन जीवियों के साथ मैं कहूंगी, देश के युवाओं को संसद का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, हमें मालूम है आपकी जेल भी छोटी पड़ने वाली है, ये दीवारें टिकने वाली नहीं है, ये तानाशाह की दीवार धने का काम देश में अगर कोई करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भाई श्रीनिवास के नेतृत्व में करेगा, ये मैं यकीन दिला सकता हूं। मैं सभी से कहूंगी, लगातार हमारे देश के अन्नदाताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी नक्सली और कल उन्हें परजीवी बताया गया। शर्म आती है देश के प्रधानमंत्री जी, आप जब भाषण दे रहे थे आप अपनी पद की गरिमा को भूल गए, आप ये भूल गए प्रधानमंत्री जी कि आप खड़े कहां हैं, आप ये भी भूल गए प्रधानमंत्री जी कि आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द इतिहास में दर्ज होने वाला है। शर्म आती है आज हमारे, आपकी भाषा, आपकी बात सुनकर ये देश आज शर्मसार है। मैं आपको कहूंगी, डर से कहिए, डंके की चोट पे कहिए कि हाँ हम 135 साल पुरानी कांग्रेस के आंदोलन जीवी है, ये वही पार्टी कांग्रेस है जो देश को, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से एक आंदोलन आजादी का करके जो है निकाल कर यहां तक देश को लाई। हमें गर्व है, हम स्वतंत्रता के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, गर्व महसूस करिए, थोड़ा भी कमजोर मत पड़िएगा क्योंकि आज पूरे देश के किसान हो, बेरोजगार युवा हो, हमारी माँ बहन बेटियां हो, मैं कहूंगी अगर उम्मीद की एक किरण अगर देश को आज दिखती है तो वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस में दिखती है। इस झंडे को लेकर आपको घर घर गांव गांव जाना है, इस आंदोलन को अब जमीन पे लड़ा जाएगा, कांटे बिछाए गए, खाइयां खोली गई, राहुल गांधी जी ने कहा दीवार खड़ी नहीं करनी थी, आपको एक ब्रिज बनाना था ताकि किसान आप तक पहुंच पाता, लेकिन ये सत्ता के अहंकारी है, ये दंगा जीवियों से, ये जुमला जीवियों से कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। युवा कांग्रेस को कहूंगी डटे रहिए, ये देश आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम
किसी का खून नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खून देने को तैयार हैं, हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, हम आगे आएंगे उस देश को इस तानाशाह सत्ता से आजाद कराने के लिए। आजादी की यह दूसरी जंग भारत की राजधानी दिल्ली से संसद के घेराव से शुरू हो।